नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। उद्धव गुट के विधायक राजन सालवी की बड़ी मुश्किलें, परिवार के 3 सदस्यों को पूछताछ के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने भेजा नोटिस। राहुल गांधी के खिलाफ अब वीर सावरकर के अपमान पर मामला दर्ज करने की उठी मांग, शिवसेना और बीजेपी ने विधान भवन में उठाया मुद्दा। मेट्रो से यात्रा करने वाले मुंबईकरों के लिए खुशखबरी, 80 रुपए का टूरिस्ट पास लेकर मुंबई मेट्रो में दिन भर कर सकते हैं यात्रा। पालघर जिले के विरार इलाके में खौफनाक वारदात, प्रेमी को पेड़ से लटकाकर 2 दरिंदों ने लड़की के साथ किया गैंगरेप, दोनों आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के ठाणे में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से हुई पहली मौत, कोरोना ने भी बढ़ाई टेंशन, 2089 है एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या। रमजान के पहले दिन मुस्लिम महिलाओं को बड़ी सौगात, मुंबई की जामा मस्जिद में महिलाओं को नमाज पढ़ने की मिली इजाजत। बुमराह में बने अवैध मस्जिदों पर मनसे हुई आक्रामक, ठाणे जिला अधिकारी को मनसे शिष्टमंडल ने ज्ञापन देकर दी चेतावनी, कहा अवैध मस्जिदों पर चलाए बुलडोजर, नहीं तो मस्जिदों के सामने बनाएंगे गणपति मंदिर। महाराष्ट्र के बुलढाणा में शॉर्ट सर्किट के कारण 160 क्विंटल कापूस जलकर हुई खाक, किसानों का हुआ लाखों का नुकसान। राहुल गांधी की सजा और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के भाषण पर संजय राउत का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने का हो रहा है प्रयास, राज ठाकरे का भाषण बीजेपी की स्क्रिप्ट। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,249 नए केस दर्ज, 8,000 के करीब पहुंचे एक्टिव मामले, महाराष्ट्र में भी 198 नए मामले आए सामने।